सतनाम श्री हरवा है गुरु। सतनाम श्री हरवा है गुरु। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की लख लख करोड़ करोड़ बधाई शुभकामनाएं। आज से चलिए हम एक प्रण करते हैं, हैप्पी जन्माष्टमी नहीं बोलते। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल गया है कि कोई भी त्योहार जब होता है तो हैप्पी लगा देते हैं आके, हैप्पी थगड़ी, हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी त्यौहार जब आया है तो वैसे ही खुशियों के साथ आया है, इसलिए अगर हम शुभकामनाएं दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बधाई दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कोशिश करें कि खुद भी और अपने बच्चों को भी जो भी हमारे हिंदू तीज त्यौहार हैं उनमें शुभकामनाएं और बधाई देने की शुरुआत करें, और साथ ही साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और कहते हैं कि जो भी श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है श्री कृष्ण उसकी सारी कष्ट सारी परेशानियां हल कर देते हैं। आज का जो वचन साहेब गुरबानी में निकला है वो भी हमें यही बताता है, कह गुरु साहब गुरु अमरदास साहब जी की वाणी है। गुरु साहब फरमाते हैं, हस्ती सिर जो अंकुश है अहरण ज्यो सिर दे। कहते हैं कि जैसे किसी मस्त हाथी के सर के ऊपर अंकुश होता है, इतना बड़ा विशाल हाथी होता है और इतना उसकी ताकत होती है कि वो मदमस्त हाथी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको संभालने के लिए उसको सही दिशा देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ एक अंकुश की, सिर्फ एक अंकुश की। वो अंकुश सामने होता है तो हाथी को हम सही राह पर ले जा सकते हैं। इसी तरह से जैसे अहरण ज्यो सिर दे, अहरण क्या होता है, एक लोहे का जब औजार कह लीजिए, लोहे का औजार होता है, और जब सुनार अहरण पे सोना रख के उसे हथौड़े से पीटता है तो अहरण उसको स्थिर रखता है। जिस तरह से हाथी को एक अंकुश स्थिर रखता है, उसी तरह से सुनार जब गहरे बनाता है तो हथौड़े की चोट से कहीं सोना इधर उधर छटक ना जाए, अहरण उसको संभाल के रखता है ताकि सुनार उसको सही शेप दे सके, सही आकार दे सके। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, ये एग्जाम्पल दिया है गुरु साहब ने, कहते हैं मंथन आ गए राख के वो भी सेव करे। कहते हैं और इस वैसे ही अपना मन और तन गुरु के सामने अर्पित कर दो। गुरु को अर्पित करोगे तो गुरु उसे सही दिशा देगा, गुरु को दोगे तो गुरु उसे स्थिर करके रखेगा ताकि आपकी पर्सनालिटी का एक सही आकार बन सके। वो भी सेव करे और हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहो ताकि गुरु अपने अंकुश से और अपने व्यवहार से अपने ज्ञान से आपको स्थिर कर सकें और सही राह दे सके। क्यों गुरुमुख आप निवार ले सब राज सृष्ट का ले, और इस प्रकार अपने आत्माभिमान को मिटाकर गुरुमुख सारे विश्व का शासन सारे विश्व का राजपाठ संभाल ले सकता है। ऐसी ताकत ऐसी काबिलियत आ जाती है उस गुरु से कि नानक गुरुमुख बूझिए जा आपे नदर करे। आगे गुरु साहब कहते हैं कि जब भगवान अपनी कृपा दृष्टि करता है, जब जा आपे नदर करे नानक गुरुमुख बूझिए। में से सबसे नाम ज्यादा किसका आता है, एक आध नाम तो बताएं मुझे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको याद है। हाँ जी, प्रहलाद उनके भक्त थे। मैंने भक्त कवियों की बात कही है, प्रहलाद आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। विष्णु भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त थे प्रहलाद। अगर देखा जाए तो त्रिदेव में से विष्णु भगवान ही है जो समय समय पर अवतार आकर अलग अलग तरीके से मनुष्य को
नीतियां सिखाते रहे हैं, मर्यादा सिखाते रहे हैं, जीवन जीने के तरीके सिखाते रहे हैं। दसों अवतारों की बात करें तो हर एक अवतार अपने साथ एक नया युग लेकर आया है। जब हम भक्त कवियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह पे नाम किसका आता है? मीराबाई और सूरदास। बहुत सारे भक्त कवि हुए हैं, लेकिन आज जिनके बारे में मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो बड़े ही निराले भक्त हैं। ये सारे हम अगर मीराबाई कहें, सूरदास जी कहें, सब के सब जो हैं वो अपने हिंदू धर्म के आते हैं, लेकिन एक भक्त ऐसे भी हुए हैं जो हमारे धर्म के नहीं हैं, मुसलमान हैं। नाम बताएं? नाम सुनाई नहीं दिया। फरीद, बिल्कुल सही। एक और उनका नाम है जिनका नाम है रस खान। बड़े ही अनन्य भक्तों में माने जाते हैं। रस खान जो हैं पठान, और उनका नाम था सैयद इब्राहिम। अब आप समझ सकते हैं कि कितने पक्के पठान थे वो। और उनके बारे में एक कथा है कि किस तरह से वो प्रभु के भक्त बने, अपने धर्म के प्रति जो बहुत ही डिवोटेड होते हैं ऐसे पठान। एक गांव में थे और वहां से जब वो गुजर रहे थे तो वहां पे व्यास पीठ का एक साधु कथा कर रहा था। जब वो कथा कर रहा था तो वो वहां से गुजरे देखते हुए कि यहाँ क्या हो रहा है, और उस संत के पीछे श्री कृष्ण भगवान की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, बड़ी सुंदर पेंटिंग थी। जब यहां से सैयद इब्राहिम निकले और उनकी नजर पड़ी तो वो देखते रह गए, एक तक देखते रह गए, उनकी नजर ही नहीं हट रही थी। सत्संग समाप्त हुआ, वो गए और जाके उन संत से पूछते हैं कि ये जो आपने बड़े प्यारे से बालक की फोटो पीछे लगाई हुई है, ये कौन है, किनकी आप इतनी इतनी प्यारी मूर्त किसकी हो सकती है? तो उन्होंने कहा ये हमारे कृष्ण भगवान है। अब वो एक तक निहाते रहे, कहते हैं लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है देखकर। तो संत ने पूछा क्या? कहते हैं वो बेचारे नंगे पैरों खड़े हुए हैं, शायद उनके पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, तभी उन्होंने एक पैर उठाया हुआ है। ये तो बड़ी तकलीफ की बात है, इतना नाजुक सा, सुंदर सा, भोला सा बालक और इतनी तकलीफ में है, आज तक किसी ने सोचा क्यों नहीं कि इनको जूते पहनाए जाए? तो संत ने सोचा कि ये थोड़ा फिर गया है, तो उसने कहा भाई अगर ऐसा ही है तो तू ही पहना दे। इतना कह के संत जी ने अपना सामान समेटा, कथा पूरी की और वहां से चले गए। अब रसखान को वो फोटो इतनी अच्छी लगी कि वो कहने लगे, उन्होंने उससे पूछा जाने से पहले संत जी से कि ये बालक रहता कहाँ है? तब उन्होंने कहा कि ये तो गोकुल में रहता है। अब संत भी देख के हैरान तो थे कि ये इतना पूछे जा रहा है लेकिन दूसरे धर्म का है, तो कैसे बताएं, वो समझेगा भी या नहीं समझेगा? तो संत जी ने कहा ये गोकुल में रहता है, वहीं पे ही वास है इसका, और तुम्हें पहनाना है वहीं जाके पहना देना। तो रसखान सैयद इब्राहिम वहां से गए और उस नाप की जूती बनवाई, और जूती बनवा के वो ब्रज पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो वहां पे गोवर्धन के पास एक मंदिर है उनका बड़ा, और पूछते रहे कि भैया ये बालक तुमने देखा, बड़ी मनोहारी शक्ल है, वो पैर ऐसे ऊंचे करके चलता है क्योंकि उसके पैर में कुछ चुभता है, उसके लिए जूतियां लेकर आया। तो सभी को बड़ी हंसी आ जाती थी, ये कहते थे कौन बालक, कहते वो बांसुरी भी लेके चलता है, मोर पंख लगाए है, वैसी निशानियां बताते थे। तो सबको पता था कि ये तो कृष्ण भगवान का वर्णन कर रहा है, तो बता देते थे भैया उधर जाओ वहां मंदिर है, वहां चले जाना वहां मिल जाएगा। करते करते रसखान जी मंदिर के आगे पहुंचे, सबने देखा पठान के वेश में कोई आया है, दूसरे धर्म का है, तो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, जैसा हर जगह होता है कि खाली हमारे यहाँ ही नहीं होता है। तो जब उनका पठान वेश देखा तो मना कर दिया, लेकिन वहां से वो दूर गए और दूर जाकर वहां पे एक कुंड था, उस कुंड के बीच में वहां पे जाके बैठ गए, उसे कहते हैं गोविंद कुंड। गोविंद कुंड के पास जाके वहीं से एक तक वो मंदिर को देखते रहे, न खाने का होश न पीने का होश, बस रोते जाए कि बस तू आके मुझे मिल जा, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। बड़े प्यार से वो मनोहार करते रहे, लेकिन एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीत गए,
और वो बालक उनसे मिलने नहीं आया। फिर जब वो रात में सो रहे थे तभी उन्हें कानों में पाजेब की झलक सुनाई दी और बांसुरी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने आंख खोल के देखा तो सामने एक बालक चला आ रहा था। उसने पूछा उनसे कि भैया तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कहते हैं मुझे ना उस मुरली वाले से मिलना है जो मोर मुकुट लगा के बैठा है, मुरली लेकर बैठा है, तुम्हारे ही उम्र का होगा। कहते हैं क्यों मिलना है? कहते उसके लिए जूती लेकर आया हूँ, बेचारे के पांव में छाले पड़ गए होंगे। तो वो बालक ने देखा तो रसखान के स्वयं के पैरों में छाले पड़े हुए थे। तो कहते हैं तो क्या करना है? कहते ये जूती उसको दे देना अगर तुम मंदिर में जा रहे हो। बालक को जूती देकर रसखान वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि मुरली मनोहर वही जूतियां पहने हुए रसखान की तरफ चले आए। रसखान ने जब ये दृश्य देखा तो वहीं भाव विभोर हो गए, रोने लगे, पागलों जैसी स्थिति हो गई उनकी, और उनके मुंह से जो उनके प्रेम में भाव निकले वो उनके कविताएं बनकर आज भी लोग याद करते हैं। और इतना वो रंग में रंगे, इतना वो श्री कृष्ण के रस में रच गए कि उनका नाम ही रस की खान पड़ गया, रस खान पड़ गया, सैयद इब्राहिम रस खान हो गए। और रस खान अपने भाव में ये भी कहते हैं मानुष हो तो वही रस खान बसो नित गोकुल गांव के ग्वाल, कि मानुष हो तो वही हो जो कि गोकुल गांव के ग्वाले बाले के रूप में जन्मा हो, वरना आपका जन्म खराब है। अगर जन्म सफल करना हो मनुष्य का तो गोकुल गांव के ग्वाले बन के जन्मो। जो पशु हो तो कहो बस मेरू चरो नित नंद की धेनु मचारन, और अगर पशु के रूप में जन्म मिलता है तो वैसे ही मुझे जन्म मिले जो कि मैं नित नंद की गायों के बीच में चरों जाके, ताकि मुझे श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे और वो भी मुझे चराने के लिए लेकर जाए। पावन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर तारण, कहते और अगर मैं पत्थर बनूं अपने जन्म में तो वैसे उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे उस मुरली मनोहर ने छत्र बनाकर अपनी उंगली पे धारण किया था। कौन सा? गोवर्धन पर्वत। जो खग हूं तो पसेरो नित कालिंदी खोल कदम्ब की दार, और अगर मैं पंछी बनूं तो उसी कालिंदी कुंज के जो कदम्ब पेड़ है उसकी डारों पे फिरने वाला पंछी बनूं, ताकि बस मेरी नजरें श्री कृष्ण की तरफ ही रहे कि वो कालिंदी कुंज में आए और अपनी बांसुरी से सबका मन मोहे। कितनी मीठी प्यारी बात कर रही हूं। ऐसी भक्ति चाहिए और ऐसी भक्ति वैसे ही समर्पण उन्होंने किया, तभी आज रसखान का नाम श्री कृष्ण जी के भक्तों में, निराले भक्तों में गिना जाता है। और अगर हम ये कहें कि ये जो है सिर्फ खाली हमें अन्य कवियों की वाणियों में मिलता है, तो ये गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में भी समाहित है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी अनेकों ऐसे कवियों की रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने कृष्ण जी का बखूबी वर्णन किया है। अब जो ये कहते हैं कि ये कृष्ण वो कृष्ण नहीं है, उनके लिए बहुत सारे सबूत हैं इस वाणी में, जो भगवत नामदेव जी की वाणी है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब जी में सम्मिलित किया गया है। और ये सम्मिलित करने वाले आपको पता ही है वही गुरु साहिबान है। तो आइए सुनिए और आनंद लीजिए भगत नामदेव जी की इस वाणी का। भगत नामदेव जी कहते हैं एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कहते हैं कि वो जो सतगुरु है वो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। धन धन ओ राम बेनो बाजे, कहते हैं और वो हर जगह रमने वाला धन्य है वो प्रभु जो कि बेणी बजाता है, जो कि बांसुरी बजाता है। मधुर मधुर धुन अनहद गाजे, और जिससे इतनी मीठी ध्वनि निकलती है जैसे कि अनहद नाद सुनाई दे रहा हो। धन धन मेघा रोमावली, कहते हैं धन्य है उस भेड़ की ऊने, रोम मतलब होते हैं ना जो हमारे शरीर में रोम होते हैं, वैसी जो भेड़ के रोम होते हैं वो बहुत घने होते हैं, बिल्कुल बादलों की तरह भरे पड़े होते हैं उसके बदन पे। तो इसीलिए कहते हैं कि धन धन मेघा रोमावली, धन धन कृष्ण ओढ़े कांबली,
वही कृष्ण कन्हैया जो कंबल और कमर में लकुटी लेकर लकड़ी डालकर गायों को चराने जाता है। धन धन कृष्ण ओढ़े कांबली, जिन्होंने कि अपना वो ओढ़ा हुआ है। धन धन तू माता देवकी, अब देवकी किसकी माता थी? श्री कृष्ण जी। कहते हैं धन धन तू माता देवकी, तू भी माँ देवकी धन्य है जो अपने कोख से ऐसे महापुरुष को पैदा किया है। जिन घर रमैया कमलापति, और जिसके घर में वो कमलापति, कमलापति कौन? लक्ष्मी जी के पति। लक्ष्मी जी कमल में विराजमान होती हैं, इसीलिए विष्णु भगवान का एक नाम कमलापति भी है। कहते हैं जिस घर में रमैया कमलापति, जिस घर में कमलापति भी रमा हुआ है, बसा हुआ है। धन धन वन खंड वृंदावना, और धन धन है वो वन, वो इलाका जहाँ पे वृंदावन का जंगल है, जहाँ खेले श्री नारायणा, जहाँ पे श्री नारायण खेलते हैं। बेन बजावे गोधन चरे, जो बांसुरी बजाते हैं, गोधन चराते हैं, गैया चराते हैं, नामे का स्वामी आनंद करे। और नामदेव जी कहते हैं कि मेरा वो स्वामी है, नामदेव का स्वामी वही है, और वो आनंद करता है, कराता है। इससे बड़ी व्याख्या और क्या हो सकती है कि जो कृष्ण भगवान का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में मिलता है वो वही कृष्ण कन्हैया है। बोल कृष्ण कन्हाई की जय, गोपाल की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये जो वाणी है इसका अर्थ अच्छे से समझ के जाएंगे और सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आज की समाप्ति करूं, बता दूं कि 11 बजे से दही हांडी दरबार साहब में होगा, और साथ ही आज शाम को दरबार में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। साथ ही साथ कल बाबा जी की 53वीं पुण्यतिथि है, कल भोग भी होगा। आप सभी से निमाणी मिलती है ये इस मौके पर आकर 53वीं पुण्यतिथि के भोग साहेब पर आकर अपनी हाजिरी दें और अपने सदगुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये कार्यक्रम में जरूर अपनी हाजिरी लगाएं, यही आपसे निमाणी मिलती है। सतनाम श्री हरिवार।